दोन व्यापाऱ्यांमधील आर्थिक देवाणघेवाणीचा फटका एका टेम्पो चालकाला बसला आहे. कामठा येथील टेम्पो चालक शेख फिरोज शेख खाजा हे आंबे भरण्यासाठी बेंगलोर येथे गेले होते. नांदेड येथील फ्रूट व्यापारी अब्दुल मतीन अब्दुल वाहेद यांनी फिरोज यांना भाडे दिले होते, पण बेंगलोर येथील फ्रूट व्यापाऱ्यांशी फिरोज यांच्या टेम्पोला आंबे न भरता टेम्पो रोखून धरला. अब्दुल मतीन आणि बेंगलोर येथील व्यापाऱ्यांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण झाली होती. मतीन आणि बेंगलोरच्या व्यापाऱ्यांचे पैसे दिले नव्हते, त्यामुळे टेम्पो चालक फिरोज यांच्या टेम्पो बेंगलोरच्या व्यापाऱ्यांनी मागील 6 महिन्यापासून रोखून धरला होता. या प्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात देखील तक्रार देण्यात आली होती, पण पोलिसांनी या प्रकरणात लक्ष दिले नाही. अखेर सामाजिक कार्यकर्ते आरिफ खान पठाण यांनी टेम्पो चालकाला मदत करण्याची भूमिका घेतली आणि पठाण यांनी 6 महिन्यापासून रोखून धरलेला टेम्पो सोडून आणला. पण नांदेड येथील फ्रूट व्यापारी अब्दुल मतीन यांच्यामुळे टेम्पो चालकाला नाहक त्रास सहन करावा लागला आहे. तेव्हा विमानतळ पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई करून टेम्पो चालकाला मतीन यांच्याकडे आर्थिक मदत मिळवून देण्याची मागणी आरिफ खान पठाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली. जो नांदेड फ्रूट मार्केट के व्यापारी अब्दुल मतीन अब्दुल वाहेद लक्की बेस्ट फ्रूट कंपनी, इन्होंने MH 4556 जो जिसके गाड़ी मालक है शेख फिरोज शेख खाजा रानार कामठा, इनकी गाड़ी थी. इनको गाड़ी बेंगलोर के नज़दीक एक कदरी गांव बोल के है, वहाँ पर आम भर के लाने के लिए कहा गया, तो इसने गाड़ी वहाँ पर किराए से लगा दी. वहाँ पर के जो व्यापारी है, यहाँ से जो तालमेल रखता है अब्दुल मतीन से, वहाँ के व्यापारी गंगाधर और शेख हुसैन, इनके ये अब्दुल मतीन 11 लाख रुपये देना बाकी था, लेकिन अब्दुल मतीन ने वहाँ के व्यापारी को बोला गया है कि मेरी गाड़ी वहाँ पर है, मेरी गाड़ी जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा जब तक मेरी गाड़ी वहाँ अटका के रख दो. ऐसा बोलने से वो लोगों ने वहाँ गाड़ी अटका के रख दिए. जब सच्चाई ये है कि देना लेना दोनों व्यापारी थे, लेकिन इसकी गाड़ी क्यों पकड़े गए, इसको बलि का बकरा क्यों बनाया गया, जबकि इसका 6 महीने से घरदार कौन चलाएंगा, इसका फाइनेंस का हफ्ता कौन भरेगा, ये सारे चीज़ मैंने हालात लेकर, ये लोग जब तो खुदकुशी करने को तैयार थे, लेकिन हमारे ARC ट्रांसपोर्ट के आमिर भाई बोल के है, हमारे दोस्त है, उन्होंने मेरे को आके मिले कि भैया ऐसी की बात ऐसी है, तो मैं फौरी हमारे आमिर भाई को और गाड़ी मालक शेख फिरोज को लेकर विमानतल पुलिस स्टेशन पहुँचा. पहुँचने के बाद वहाँ के PI ननवरे साहब से मैंने मुलाकात की. पहली बात तो ननवरे साहब ने हमारे गाड़ी मालक को बाहर हका ही दिया गया कि ये कुछ भी नहीं, सब हो गए वाला है, ये आरोपी है बोल के बाहर कर दिए. लेकिन मैंने जब सच्चाई बताई ननवरे साहब को कि साहब आरोपी फ्रूट मालक है और ये गाड़ी मालक है, तब कहीं उन्होंने फिर इसको बुला के बातचीत की और उस घटना को अंजाम दिया समझो. तो हमारा ननवरे साहब से ये कहना था कि साहब जो भी हमको हमारी गाड़ी छुड़ा के दे दो. अब ननवरे साहब का यह कहना था कि मैं DISP को लेटर भेजा हूँ, अदर स्टेट रहने की वजह से परमिशन लेना पड़ता है, वो हिसाब से इन्होंने परमिशन लेने के लिए DISP को लेटर दिए. 1 महीना DISP के टेबल पे लेटर बैठ गया, लेकिन कोई उस पर साइन करने को तैयार नहीं. आखिर मैं मजबूर होने के, जब इन्होंने खुदकुशी करते बोले, मैं मजबूर होने के, मैं मेरे सेफ्टी पे मेरी जान जोखिम में डाल के मैं खुद हमारे आमिर भाई को लेके और गाड़ी मालक शेख फिरोज को लेके बेंगलोर पहुँचा. मैं रातों रात बेंगलोर जाके वहाँ पर के PI को जाकर हम मिले, फिर ये दो वहाँ के जो व्यापारी है गंगाधर और शेख हुसैन, हमको उनके जाके मिले, तो 100-200 लोगों का वहाँ जमावड़ा होगा, वो गांव एक नक्सलग्रस्त बोल के पहचाना जाता है. वहाँ पर हमने इतनी बड़ी जवाबदारी उठाई है, काम तो सही देखा जाए तो पुलिस का था, लेकिन हम हमारे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हम वहाँ पर जाके हमने इतना बड़ा अंजाम दिए. तो ये लोगों का 6 महीने से घर वगैरह सब बंद था. उसके बाद ये होने के बाद अब हमारा विमानतल पुलिस से ये कहना है कि जो अब्दुल मतीन यहाँ का जो फ्रूट व्यापारी है और वहाँ के जो व्यापारी है गंगाधर और शेख हुसैन, इन पर FIR करके गाड़ी मालक को 6 महीने का नुकसान हर्जाना देना चाहिए और फाइनेंस के जो हफ्ते थे ये लोगों ने पूरा देना चाहिए, वरना मैं ये पूरा केस कोर्ट में लेकर जाने वाला हूँ. मेरा नाम शेख फिरोज शेख खाजा, मैं कामटे का हूँ. मतीन ने बोला मैं किराए गाड़ी मन किराए को लगा था मतीन के पास, फिर बाद में मतीन ने बोला उसको पार्टी को फ़ोन करके कि मैंने उसके बाद गाड़ी मालिक को पैसे दे दिया और गाड़ी उसके रन दे तेरे पास, जब मैं पैसे दूंगा गाड़ी लेके जाऊंगा, ऐसा बोल दिया मेरे को. फिर वहाँ से मैं गाड़ी नहीं दी, मैं वहाँ से वापस आ गया. फिर आमिर भाई को और आरिफ खान साहब को लेगा गाड़ी छुड़ा गया, पुलिस वाले मेरे को कोई मदद नहीं करे और मेरे को बाहर ढकल ढकल दे दे PI उनका नाम. 9 जून को गाड़ी 9 जून को गाड़ी नांदेड़ से गए वाली आम भरने, यहाँ से MT लेके गया मैं आम भरने के लिए. हाँ,
पूर्ण गाड़ी पकड़ दिया मैं तुम्हारे पास पैसे देना बोले मुझे पैसे दे दो और तुम गाड़ी लेकर चल जाओ मेरे पैसे दिया नहीं तो फिर गाड़ी रंग बोले तुम चल जाओ बोले आगे फिर हम एक दो दिन के बाद रखा दो दिन के बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी पुलिस वाले को हम लोग देख रहे थे नहीं आज होंगे कल होंगे परसूंगा करे करे चार पाँच महीने हो गए फिर बाद में आमिर भाई को मिला आर्य खान साहब को मिला इनके पास आके सब सुनवाया सब बोलने करने के बाद फिर आर्य साहब हम दोनों वहाँ गए वहाँ जाके ऐसे पुलिस ने बातचीत कर दी हाँ गाड़ी छूट गया हमारी गाड़ी सामने खड़े करवाइए।